दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम एक और काशी नगरी के रहस्यमय पवित्र और खास मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है काल भैरव मंदिर। क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य दोस्तों, जिसको माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव की क्रोध अग्नि का विग्रह रूप काल भैरव है। इनकी पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना, भूत प्रेत आदि सब का भय निकल जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि काल भैरव परमात्मा शंकर के ही रूप हैं। काल भैरव बनारस के कोतवाल कहे जाते हैं, यानी कि जो बनारस के रक्षक हैं। इनके कई सारे रूप हैं जो बनारस में अलग अलग जगह पर स्थापित हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे काल भैरव, आस भैरव, बटुक भैरव, भूत भैरव, संहार भैरव और क्षेत्रपाल भैरव। कहा जाता है कि रविवार और मंगलवार को इनका दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बनारस में आने वाला कोई भी अधिकारी सबसे पहले इनका दर्शन किए बिना, इनके आशीर्वाद लिए बिना कोई काम शुरू नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि ये बनारस नगरी के कोतवाल हैं। बिना इनकी आज्ञा के कोई भी काम वहाँ संपन्न नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि बनारस में रहना है तो बनारस के कोतवाल का दर्शन करना अच्छा होता है। और तो और भैरवनाथ के लिए प्रसाद भी सोचना नहीं पड़ता। ये ऐसे देवता हैं जिन्हें सब पसंद है, चाहे आप टॉफ़ी, बिस्कुट, मिठाई, चॉकलेट, दारू, गांजा सब इनको चढ़ा सकते हैं। इनके दर्शन किए बिना दोस्तों विश्वनाथ का दर्शन भी अधूरा माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं काल भैरव के काशी के कोतवाल बनने की कथा। कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से पूछा कि जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपना ही नाम लिया और खुद को श्रेष्ठ बताया। जब देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, अनादि, अंत और अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं, यानी कि भगवान शिव हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा के पांचवें मुख ने शिव के बारे में भला बुरा कह दिया। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय पर एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो, अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्हें भैरव को उत्पन्न करके उन पर शासन करने को कहा। उन दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैरव को काशी के लिए प्रस्थान करने को कहा, जहाँ भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली, जिसके बाद रुद्र को इसी काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं और इनके दर्शन किए बगैर विश्वनाथ का दर्शन भी अधूरा माना जाता है। तो ये थी दोस्तों काल भैरव के काशी के कोतवाल बनने के पीछे की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।